जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो उत्तर दिनाजपुर जिला चाकुलिया थाना के समसपुर हाट इलाके में है, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बगल में उनका ये ऑफिस है। जो सेक्रेटरी हैं मौलाना जाने आलम साहब, उनसे हम सिलसिलेवार तरीके से पहले समझते हैं कि इस ट्रस्ट के ज़रिए से लोगों को क्या सुविधाएं दी जाएगी और लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप विस्तार से बताइए कि जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के आप क्या हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पे आप तशरीफ लाए। और जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो है एक नेशनल लेवल का राष्ट्रीय स्तर का ट्रस्ट है, जिसका अग्राज़ो मकासिद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है कि देश में ना जाने कितनी गरीब बच्चियाँ यानी यतीम बच्चियाँ हैं जिनकी शादी जहेज की वजह से नहीं हो पाती है। तो ये जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट उनके लिए काम करेगी। देश में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर जगह में जहाँ पे देखिए कि एजुकेशन को लेकर के लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये जो यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन पैसों की वजह से नहीं हो पाती है, उन बच्चों की जो है अखराजात को पूरी करेंगे, उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। और तीसरी ये बात यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो जिनके बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, पैसे के बगैर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते या कोई ऐसी परेशानी आती है, तो उनकी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी जहानारा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है अपने तरफ से उठाएगी जी। और भी जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है और स्पोर्ट्स है, उन चीज़ों को लेकर के भी जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट काम करेगी जी। इलाके के लोगों को हमारे ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं इलाके के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट इस इलाके में पहली बार स्थापना हुआ है जिसका, और मैं ये चाहता हूँ कि इलाके के लोग इस ट्रस्ट के साथ में जुड़ें और इसको सपोर्ट करें और जो माली हैसियत जो रखते हैं वो इसमें ताउन करें ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे चेयरमैन साहब बैठे हैं ट्रस्ट के, इनसे भी दो बातें जानते हैं कि ट्रस्ट को लाने का एक मकसद क्या है। ट्रस्ट का लाने का मकसद यह है कि हमारे इलाके में या पूरी देश में जितने भी गरीब तबके के बच्चे या यतीम बच्चे पढ़ाई में और एजुकेशन में जो ये हैं उनकी सहायता के लिए, और जिस तरह गरीब तबके की लड़कियाँ जो अभी शादी ब्याह नहीं हो पा रही हैं उनके मदद के लिए इस ट्रस्ट के जानिब से ऐसे लोगों को मदद किया जाएगा और खड़ा रहा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बता रहे थे यहाँ पे कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत होती है, जिन्हें जिनके बच्चों को तालीम की ज़रूरत है लेकिन किसी वजह से वो लोग तालीम नहीं दिला पाते हैं, या कोई गरीब बच्चे की शादी में कई अड़चने आ जाती हैं, जो अभी सिस्टम एक चला हुआ है कि बहुत सारे खर्च होते हैं एक शादी कराने में, तो जो गरीब लोग हैं वो अपनी बच्चियों की जो शादी कराने में उनको जो दिक्कत या दुश्वारी आती है वो जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट से संपर्क करें। ये समस्तपुर में है, ज़रूर आपकी यहाँ से मदद की जाएगी जो इन्होंने अभी बताया। और मैं एक बात और कहूँगा कि इलाके के जो दानिश्वर लोग हैं जो दीगर जगह अपनी फंडिंग करते हैं, दीगर कई जगह मुख्तलिफ जगहों पर अपना योगदान देते हैं, तो ये जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, यहाँ भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, यहाँ भी कुछ आप डोनेट कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं ताकि इनके ज़रिए इलाके में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक फ़ायदा पहुँचे। आइए, यहाँ पे जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनसे भी दो चार बातें करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है ज़ाहिरुल इस्लाम जी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर मौजूद हैं और ये जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो भी बताए इनके सेक्रेटरी साहब के, काफ़ी सारे फ़ायदे इलाके के ज़रूरतमंद लोगों तक इस ट्रस्ट के ज़रिए से पहुंचाई जाएगी, तो इसको लेकर क्या बोलेंगे आप, कितनी अच्छी पहल है ये? बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छी पहल है ये। जैसा कि मौलाना जाने आलम साहब हैं वो हमारे रिश्ते में भांजे भी रखते हैं और बहुत करीबी हैं, वो उनका जो मकसद है उसके मकसद के हिसाब से अगर काम हो तो बहुत बड़ी बात, खिदमत खल्क है ये। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मकसद यही है कि सिर्फ इलाके तक महदूद नहीं बल्कि जहाँ तक उनकी रसाई होगी इस ट्रस्ट में अगर कोई फ़ंड आएगा तो उस फंड से, जैसे वो बेवा औरतें हैं उनकी शादी का मसला उमूमी तौर पर रहता है, या वो गरीब बच्चे जो ज़हीन होते हैं या उनके माँ बाप को पढ़ाने का इरादा होता है लेकिन किसी मजबूरी की बुनियाद पर नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उन गरीब बच्चों की तालीम, और फिर
ऐसे पसमानदा तबका जिनके घर टूटे हुए हैं या ऐसी कोई ज़रूरतमंद है तो इनकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए इन्होंने जैसा मुझे बताया पूरी करने के लिए ट्रस्ट खोला गया है और हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मकसद में कामयाबी अता फरमाए ताकि इससे कौम को फ़ायदा मिलता रहे। और यहाँ पे मौलाना शाकिर रज़ा नूरी साहब मौजूद हैं, इनसे भी दो बातें हम जानेंगे कि कई सारे फाउंडेशन, कई सारे जमात हैं, कई सारी ट्रस्ट हैं, वो लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ जो आप मौजूद हैं जहानारा एजुकेशन और वेलफेयर ट्रस्ट के उद्घाटनी प्रोग्राम में, यहाँ आकर आप क्या मैसेज देंगे इलाके के लोगों को? बड़ी खुशी हो रही है आज कि आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, ये एक खुशी का मौका है। शायर मशिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। कुछ दिनों पहले हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई थी, तकरीबन आज से 4 साल पहले। आपने जो ये बात कही कि इलाके में बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी बनी और बहुत सारी ख़त्म भी हो चुकी हैं, मगर कुछ तंजीमें जब बनी हैं तो वो काम आज भी करती हैं। तो हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हुआ था कि हमारे इलाके में एक तंजीम होनी चाहिए, एक जमात होनी चाहिए, तो जो दीनी मामलात में हमारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, तो जिसमें हमारे जाने आलम चतुर्वेदी साहब भी हैं, मुफ्ती मुजाहिरुल हक साहब भी हैं, मंजर नवाज साहब भी हैं, शाहनवाज साहब भी, बहुत जितने उलमा इकराम हैं सभी जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक जमात कायम की, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख उत्तर दिनाजपुर, जिसका हेड ऑफिस बरेली शरीफ में है। अब आगे चल करके हमारे जाने आलम चतुर्वेदी साहब के दिल में ख्याल आता है कि सिर्फ हम अगर दीन के साथ ही जुड़े रहें तो हम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि हमें दीन और दुनिया दोनों साथ साथ लेकर के चलना है। तो उन्होंने जहानारा एजुकेशनल ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम इस वजह से किया कि इलाके में आज भी हमारी बहुत सारी बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर हम नज़र नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे सिर्फ मदरसों के वो ही जाते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मदरसे में भी जाए और हमारा बच्चा स्कूल में भी जाए। ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा मदरसे में पढ़े तो स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, आपका बच्चा आप मदरसे में भी पढ़ाइए, स्कूल में भी पढ़ाइए, दोनों जगह आप कामयाब रहेंगे। इसी तरीके से आज हमारे यहाँ जो एक रवाज चली है शादियों की, देखिए ये तो एक बीमारी ही समझ लीजिए, आज बहुत सारी गरीब बच्चियाँ ऐसी है जो पैसों के बिना पर या दहेज के बिना पर उनकी उम्रें गुजर गई मगर शादी नहीं हो पाई। इसकी सबसे पहली जिम्मेदार तो हम खुद हैं कि हमने ही इस रस्म को जो है पैदा किया है और उसका मार आज हमारे ही ऊपर पड़ रहा है। अगर हम इसको पैदा नहीं करते तो आज इसकी तकलीफ हमें बर्दाश्त नहीं होती। आज हमारी बहनें कुंवारी बैठी हुई है घरों में, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शादी दिला पाएँ। तो जाने आलम साहब ने एक ट्रस्ट कायम किया जिसके ज़रिए से वो चाहते हैं कि जो गरीब बच्चियाँ जिनकी उम्रें ज़्यादा हो रही है उनको उनकी शादी कराया जाए, तो अगर हम ज़्यादा नहीं दे पाए कुछ कम दे करके कम से कम उनकी शादी कराया जाए, तो ये एक नेक कदम है उनका। और बहुत सारे बच्चे देखिए ऐसे हैं, आज अगर आप अपने इलाके का जायज़ा लेंगे तो चाहे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हो या मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई 10 पास करने के बाद फोरमैन बनने के लिए टंकी का काम करने के लिए चला जाता है, कोई बाहर चला जाता है, आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी असल वजह यही है कि उसके पास पैसे की कमी पड़ जाती है भाई, जिस बिना पर वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। तो हमें ऐसे बच्चों की तलाश है जो बच्चे अपने माली हालात की कमज़ोरी की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ रहा है, अपनी तालीम को छोड़ रहा है। मैं तमाम गार्जियनों से गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसे हालात में आप किसी बच्चे को देखें जो पैसों के बुनियाद पर या माली कमज़ोरी के बुनियाद पर अपनी तालीम छोड़ रहा है, मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है, 2 साल पढ़ने के बाद माली हालात ठीक नहीं है, घर का बेचारा क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ करके वो बाहर चला जाता है, तो मैं इलाके के लोगों से गुजारिश करूँगा अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा बच्चा हो तो आप जाने आलम चतुर्वेदी साहब से रब्ता करें, हमारे मौलाना मंजर नवाज साहब, शाहनवाज साहब, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, इन ट्रस्टों से आप रابطہ कायम करें। यकीनन हम लोग इन्हीं कामों के लिए इलाके में आए हैं, और जहां तक मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं इलाके के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब ये ट्रस्ट यहां पर कायम हो चुकी है तो आप इसका दिल खोल करके स्वागत करें और इसका ताउन करें। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर मंजर नवाज साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। हजरत, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो इलाका है खास करके उत्तर दिनाजपुर को मान के चलिए, तालीमी एतबार से बहुत पीछे है, और अभी जो मौलाना शाकिर साहब बता रहे हैं कि माली हालत की वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर दीगर मुख्तलिफ कामों में चले जाते हैं। तो आज यहाँ आप आए हैं जहानारा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट में, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पहल है कि भाई ऐसे बच्चों की तलाश है जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और उनकी मदद जहाँ तक हो सकती है करेंगे। क्या आप मैसेज देंगे इलाके?
ये मैसेज तो देखिए, मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मजाहिरुल इस्लाम साहब ने भी कहा, मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर साहब, दिगर उलमा इकराम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ उनकी तलाश नहीं है, उन बच्चों को भी चाहिए, उनके गार्जियन को चाहिए कि ऐसे ट्रस्ट जहाँ पर भी खुले हों, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हो या जहानारा एजुकेशन ट्रस्ट हो, तो ऐसी जगहों पर वो खुद रब्ता करें, उसमें जाएं। और ये पैगाम सिर्फ उत्तर दिनाजपुर के लिए नहीं, पूरी आलम इस्लाम के लिए हम काम करें। बुनियादी काम तो घर से शुरू करना होगा, तो ये बुनियादी काम का पहल इन्होंने किया, हम सब साथ में भी हैं और दुआएं हम लोगों ने भी की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये दुआ रहेगी। एक ज़रूरी बात मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन लिखा हुआ है, सिर्फ हम यह लिखे हुए तक महदूद ना रखें, है ना, कोई काम करें तो अमली तौर पर भी उसको काम किया जाए। हम लोग क्या करते हैं कि दो चार दिन दस दिन के लिए कुछ काम करते हैं, उसके बाद फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं। बुनियादी काम यह हो कि अगर हम यहाँ से चले हैं, अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर, का मतलब वो नहीं होता है कि हम अकेले हैं लोग आ जाएंगे, नहीं, हमको बिल्कुल इस्तकलाल के साथ खड़े होना होगा, अज़्म के साथ उठना होगा। और अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएँ पसपा, लाखों तूफान को पलट देता है साहिल तनहा। इंसान जब बिल्कुल अज़्म के साथ उठता है वो नाकाम नहीं होता। तो एक ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ छोटे बच्चों को, मदरसे के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, हमारे बच्चों को नहीं, बल्कि आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ तक हमारी पैगाम, हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उन तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है, जब भी कोई ज़रूरत हो आप यहाँ राबता करें, जाने आलम चतुर्वेदी साहब से राबता करें, ये ट्रस्ट से राबता करें, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से आप जो है राबता करें, साथ में ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैले, जहाँ जहाँ के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नवाजा है, ऐसे ट्रस्ट में फंडिंग करें ताकि ये लोग आगे दीन के काम कर सकें, दुनिया के भी काम कर सकें। मेरी इनके साथ ये दुआ है, मेरी ये तमन्ना है, अल्लाह इनको फलने फूलने की तौफीक अता फरमाए। तालीमी एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ गुरबत भी बहुत ज़्यादा है, और इसी सिलसिले में आज से चंद रोज़ पहले जाने आलम साहब चतुर्वेदी से रब्ता बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम एक ट्रस्ट चलाने वाले। देखिए, हमारे इलाके में मदारिस की, मसाजिद की, मकातिब की, स्कूल कॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे गार्जियन क्या करते हैं, बच्ची की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो उसको परदेश कमाने के लिए भेज देते हैं, और इसकी वाहिद वजह यह है कि उनके पास इतनी दौलत नहीं, इतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा सके। तो उसी सिलसिले में ये जहानारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन है, जिसके ज़रिए से गरीब बच्चों की तालीम और बेवाओं की शादी, जवान बेटियों की शादी, इस सिलसिले में इस ट्रस्ट को खोला गया है, और उम्मीद है कि जाने आलम साहब की मेहनत रंग लाएगी और अल्लाह का फ़ज़ल होगा तो इलाके में जो पसमानदा लोग हैं, जो अपने बच्चों को पैसे की वजह से तालीम नहीं दे पाते हैं, इंशाअल्लाह यहाँ से मदद की जाएगी और वो बच्चा आगे चलकर अपनी दीन और दुनिया दोनों को बेहतर कर पाएगा। मैं सबसे पहले आपके चैनल के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर आए और इस मैसेज को पूरे इलाके के लोगों तक पहुँचाया, और जितनी सारी बातें यहाँ हुई, जितने उलमा-ए-किराम यहाँ मौजूद हैं, मैं इसी पर लोगों को गुजारिश करूँगा कि इन तमाम बातों पर अमल करें, और हम सबसे पहले हम खुद अमल करें और बाकी इलाके के लोग इन सारी बातों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अरे साजिद भाई को अल्लाह सलामत रखे, ताकि हमारे जहाँ भी कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम हो, जहाँ कोई ऐसी मुसीबतें आ जाए जिसके ज़रिए ताकि कौम तक वो पहुँचाया जाए। इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे जाने आलम साहब ने जो इस काम को, जो जहानारा एजुकेशन आपका वेलफेयर ट्रस्ट जो रखा है, अल्लाह इस ट्रस्ट में जो है जिस काम के लिए इन्होंने इस ट्रस्ट को खोला है उसको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए, मैं ये दुआ करता हूँ। और सारे लोग यहाँ पर देखिए, हमारे इलाके के एक से बढ़कर एक खतीब और शोरा नकीब सभी ही पहुँचे हुए हैं, हम लोग सब इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, और मैं दिल से जो है इनको साथ देने के लिए भी तैयार हूं। और मैं गुजारिश करूंगा इलाके के कौम को और पूरे आलम इस्लाम के लोगों को कि आप जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इधर उधर, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि हमारे इलाके में एक जलसा नहीं, कई कई जलसे लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो खर्च करते हैं जलसों में, एक जलसे में कम से कम 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख के खतीबों और मुकर्ररों को ला करके जो पैसे खर्च करते हैं, शायरों को ला करके खर्च करते हैं और दीगर उलमाओं को ला करके खर्च करते हैं, अब मैं कहूँगा कि आप इतने पैसे खर्च उधर ना करके आप उन पैसों को कम खर्चों में इलाके के उलमाओं को
उन उलमाओं को लीजिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कम नजराना लेने वाले हों, ज़्यादा नजराना वाले ना हो, उन उलमाओं को लेकर के आप दीन के काम करें। ज़्यादा नजराना लेने वाले उलमाओं के पीछे पैसा खर्चा ना करके उस पैसे को स्टर्स में आप जमा करें, इसके ज़रिए कौम की आप खिदमत करें। इलाके में जो गरीब जो यतीम मिस्कीन है, मैं चाहूँगा कि उन गरीबों के यतीमों के मिस्कीनों के आप मदद हो, चाहे शादी ब्याह में हो या कोई आप ऐसा है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई किसी को। बहुत सारे ऐसे हैं कि बीमार हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आपके पैसे से उस गरीबों की मदद हो जाए, उनके इलाज हो जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पैसे के बदौलत पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप जो कुछ कुछ मदरसे ऐसे हैं कि खर्चे ज़्यादा होता है, कुछ स्कूल ऐसा है कि खर्चे ज़्यादा होता है, आप पैसा इस ट्रस्ट के जरिए अगर उस बच्चों तक पहुँचाया जाए तो वो बच्चा उस पैसे के ज़रिए उस मदरसे में दाखिला ले सकते हैं जिस मदरसे में वो पहुँच नहीं पा रहे हैं आमदनी की वजह से। उस स्कूल में बच्चे दाखिला ले सकते हैं कि जिस स्कूल में वो बच्चे जो हैं पैसों की वजह से दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा इलाके के और दीगर आलम इस्लाम के लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ताउन करें, आप साथ दें, ताकि हमारा दीन हमारा काम आगे बढ़े। पहले मैं चाकुलिया टाइम्स को अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे लोगों की मौजूदगी में इस ट्रस्ट को, यानी जो नाम रखा है जहाँ नारा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को मौलाना जाने आलम चतुर्वेदी साहब बहुत ही मुशक्क़त और मेहनत से आज एक मीनार दिए हैं, यानी एक मीनार के तौर पे खड़ा किए हैं। ये एक मैसेज कहिए या इलाके के लिए बहुत ही अच्छी मतलब खबर कही है आप, यानी बहुत ही कम इंसान होते हैं, यानी बहुत ही कम लोग होते हैं जो 5% के बारे में तो सोचते हैं, यानी 5% होकर के 95% के बारे में सोचते हैं। और इन 5% में गिने चुने इंसान मौलाना जाने आलम चतुर्वेदी साहब हैं, जो आज तक इस एरिया में सारे के सारे एक ही चीज़ सोचते हैं कि अरे आज हम छोटे हैं, कल हमको बड़ा आदमी होना है। लेकिन जाने आलम साहब का सोच यही है कि आज हम छोटे हैं लेकिन छोटे होकर हम दूसरों को हम बड़े बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बड़े का मतलब ये नहीं होता कि मतलब पैसा होना, बड़े का मतलब ये होता है कि मतलब दूसरों का हेल्पलेस करना। क्या करना? हेल्पलेस करना, यानी किसी की शादी ब्याह में मतलब रुकावट होती है, सबसे पहला क्या फाइनेंस प्रॉब्लम, यानी आपका पैसे की प्रॉब्लम। और इस चीज़ को अपने सर पर लेने वाले कोई और नहीं, जाने आलम साहब चतुर्वेदी हैं। और मैं यही चीज़ जाने आलम साहब को अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आप लगो और आपके साथ में हम हैं। हम का मतलब कि हम नहीं बल्कि सारे पूरा आलम इस्लाम में जितने हमारे मोमिन भाई बहने हैं सारे के सारे आपको इंशाल्लाह फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। बस यही मैसेज के साथ मैं अपनी बात को। तो देखा आपने यहाँ पे जो उलमाए किराम मौजूद हैं, शोरा मौजूद हैं और इलाके के दीगर दानिश्वर लोग भी मौजूद हैं, तो इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, आपने सुनी सारी बातों को। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मौलाना जाने आलम चतुर्वेदी साहब ने जो ये पहल की है, इस काम को वो अकेले अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो जो भी इलाके के लोग दानिश्वर लोग हैं जो दीगर मुख्तलिफ जगहों पर डोनेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ करके, इस ट्रस्ट में भी हिस्सा लीजिए, यहाँ भी डोनेट कीजिए, यहाँ भी फंडिंग कीजिए, ताकि समाज की जो खिदमत करने का ज़िम्मा इन्होंने उठाया है उसको बखूबी अंजाम तक पहुँचा पाए। चाकुलिया टाइम्स के लिए समस्तपुर से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन, शुक्रिया।